नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के निधन से घोषित राष्ट्रीय राजकीय शोक के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली अब 7 सितंबर को होगी। पहले 6 को रैली निर्धारित थी। आज से शुरू पितृपक्ष मेले को लेकर गया धाम के प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गया जिला सीमा पर दंडाधिकारी तैनात कर दिए गए हैं, जो पिंड दान के लिए आए लोगों को रोक सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं को पहले से ही विभिन्न प्रचार माध्यमों से पितृपक्ष में नहीं आने का अनुरोध किया जा चुका है। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति आदेश की अवहेलना करते पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गया क्षेत्र को मोक्षधाम और बहने वाली फाल्गुन नदी को लोग मोक्षदायिनी मानते हैं। अतीत से यहाँ पितरों को पिंडदान करने की प्रथा रही है, परंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सारी व्यवस्था दरी की दरी रह गई है। देश को अब नए चुनाव आयुक्त के रूप में अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव कुमार के निर्देश से ही काम करना होगा। नए आयुक्त का पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के लिए अब यात्रियों को अधिक खर्च करने होंगे। नई दर तालिका के मुताबिक घरेलू उड़ान के लिए 10 तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 25 रुपए की वृद्धि की गई है। आज से राजधानी पटना के निचली अदालतों में भी वकील समुदाय का ओपन कोर्ट में बहस करना शुरू हो गया। यह व्यवस्था 22 सितंबर तक के लिए पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार तत्काल रखी गई है। दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आगामी 11 अक्टूबर को निर्धारित केंद्र पर 13 जिलों में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रूप में कार्यरत अध्यक्ष आनंद किशोर को अगले 3 वर्षों के लिए बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल अतीत में भी सराहनीय रहा है। बीते मंगलवार को जिन 3 संदिग्धों को पटना में हुई लूट कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, उनसे कोई खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है। विदितों की लगभग 7 लाख रकम की लूट का मामला प्रकाश में आया है। प्रत्येक दिन की एक एक कदम विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ने लगा है। इसी क्रम में पटना के डीएम कुमार रवि ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पटना को 600 सेंटर में बांटने की जानकारी दी है। मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की सूची बना ली गई है। इस बाबत ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने पटना में सिटी बस की संख्या बढ़ा दिया है। अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए बस सेवा दी गई है। स्थानीय स्तर पर बसों की संख्या बढ़ाए जाने का लोगों ने स्वागत किया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।